आज के लेक्चर में हम लोग लेजर क्रिएशन सीखेंगे और लेजर क्रिएशन किस किस तरीके से क्रिएट किया जाता है और किस किस मोड में किया जाता है ये हम लोग पूरी जानकारी के साथ सीखेंगे। चलिए लेजर के लेक्चर में हम लोग आ जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग अकाउंट इन्फो में जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ जाने के बाद हम लोग यहाँ पे एक ऑप्शन है लेजर क्रिएशन। अब यहाँ पे जाने के बाद आप सिंगल एंट्री मोड पे, कहाँ पे, लेजर पे क्लिक करने के बाद सिंगल एंट्री मोड पे जाके आप लेजर कोई भी क्रिएट कर सकते हो। मान लीजिए मैंने ओनर का अकाउंट का लेजर मैंने यहाँ बनाया, प्रकाश कैपिटल। अब ये प्रकाश कैपिटल जो है एक ओनर है जो अंडर द कैपिटल में आएगा। अब यहां आने के बाद हम लोग कैपिटल एंटर करके इसके अदर अगर जानकारी आपको लिखनी है तो यहां आप डेफिनेटली लिख सकते हो। अब उनका नाम लिखेंगे आप, एड्रेस लिखेंगे, यहां कंट्री लिखेंगे, स्टेट लिखेंगे, और यहां पे उनकी बैंक डिटेल्स भी आप लिख सकते हो। अब यहां आने के बाद अगर हमें अगर मोबाइल नंबर अगर इसमें डालना है तो आप कीबोर्ड पे F12 प्रेस करते हुए आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप जाते हुए यहां पे यस कर देना है और एंटर करके सेव कर देना है। अब उनका कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर भी आप डाल सकते हो और यहाँ पे आप उनकी ईमेल आईडी भी डाल सकते हो और अदर टेलीफोन नंबर भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो ये सब जानकारी आप यहाँ पे कर सकते हो किसमें, लेजर क्रिएशन में। ये तो हो गया सिंगल एंट्री मोड। जैसे कि हमें यहाँ पे सेल्स की लेजर बनानी है अंडर द सेल्स अकाउंट, तो ये हम लोग इस तरीके से यहाँ पे बना सकते हैं। लेकिन ये सिंगल एंट्री लेजर मोड पे जाने के बाद आप मल्टीपल लेजर मोड पे भी जा सकते हैं, क्रिएट अ मल्टीपल लेजर मोड। अगर मैं यहां जाता हूं, अब मान लीजिए मुझे कुछ एक्सपेंसेस की लेजर बनानी है, तो मैं यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सर्च कर लेता हूं और यहाँ पे मुझे सिर्फ इतना डालना है। जैसे कि इनडायरेक्ट में आता है सैलरी अकाउंट, ओके, रेंट अकाउंट, मोबाइल बिल अकाउंट, लाइट बिल अकाउंट, तो ये सब किसके अंडर में चले जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये होता है मल्टीपल लेजर क्रिएशन, सिंगल एंट्री लेजर क्रिएशन, मल्टीपल लेजर क्रिएशन हम लोग इसमें सीखे हैं। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि डायरेक्ट एंट्री लेजर कैसे बनाते हैं। कि जैसे कि हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में यहां आ जाते हैं और यहां जाने के बाद अगर कोई भी लेजर आपको अगर बनाना है ऑन द स्पॉट, आप यहां डेबिट क्रेडिट वाले ऑप्शन पे डीआर एंड सीआर के आगे आपको आना है और कीबोर्ड पे अल्ट सी प्रेस करना है, तो फिर से हम लोग लेजर क्रिएशन मोड में आ जाते हैं। तो यहां पे आप कोई भी लेजर क्रिएशन है जैसे कि अदर एक्सपेंसेस अंडर द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये हम लोग इसमें डाल सकते हैं। तो ये होता है हमारा डायरेक्टली लेजर क्रिएट करना। तो ये सब हम लोग ने आज सीखा है कि लेजर किस किस तरीके से क्रिएट किया जाता है।